अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह व बरकातहू। मैं डॉक्टर अब्दुल अली खान। हमारे हॉस्पिटल में हर तरह की सहूलतें मौजूद हैं, एक्सरे, सीटी स्कैन, सोनोग्राफी। हमारे पास 24 आवर्स के लिए कार्डियक एम्बुलेंस है, जिसमें नया टेक्नोलॉजी के साथ मशीन सब उसमें लगी हुई है। मुमरा से लेकर डुम्बोवली तक के लोग हमारे हॉस्पिटल से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं। और हमारे पास अच्छे अच्छे रूम हैं, डिलक्स रूम है, स्वीट्स रूम है, हर तरह की फैसिलिटीज हमारे हॉस्पिटल में माशाल्लाह मौजूद है। मैं इस्तामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम। आपको बता दें कि इस समय मौजूद है हम सुधीर भगत के साथ में, और सुधीर भगत के इंडिया हाउस पर जो है SMBT हॉस्पिटल के तरफ से एक बहुत बड़ा कैंप का आयोजन किया जा रहा है। मेडिकल कैंप है जो मुमरा शहर के लोगों के लिए काफी फायदेमंद साबित हो सकता है, और साथ ही हम कुछ राजनीतिक चर्चा भी सुधीर भगत से करेंगे। लेकिन सबसे पहले कल 21 तारीख को होने वाला जो मेडिकल कैंप है उनका, उसके बारे में हम जानकारी लेंगे। सुधीर भाई, क्या बताना चाहेंगे आप कि 21 तारीख कल आपको जो है, आपके यहाँ पर जो है SMBT हॉस्पिटल की तरफ से मेडिकल कैंप का आयोजन किया जा रहा है। ये मेडिकल कैंप जो है दरअसल क्या फ्री ऑफ कॉस्ट है या इसका कुछ चार्ज है, और कौन कौन सी ऐसी बीमारियों का खासतौर पर यहाँ पर इलाज किया जाएगा? सबसे पहले तो आपका मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने इस चीज को एक अमूल्य चीज समझ करके आपने यहाँ पर हमको आमंत्रित किया और लोगों को सामने जाने के लिए हमको प्रेरित किया है। तो मैं आप सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपके माध्यम से जो भी पब्लिक यहाँ पर है आज मुमरा में, मैं एक मुमरा का बच्चा होने के नाते मेरे मुमरा के शहर को कुछ देना मेरा एक कटिबद्ध हूँ, तो उसी नाते पे मैं एक महाआरोग्य शिविर लेके आया हूँ। हर बच्चा चाहता है कि अपने घर के लोगों का स्वास्थ्य सही रहे, तो मैं भी चाहता हूँ मेरे मुमरा का स्वास्थ्य सही रहे। तो ये आरोग्य शिविर, महाआरोग्य शिविर में लेके आया हूँ। SMBT ये एक चैरिटेबल ट्रस्ट है। इनका सिंगर इलाके के अंदर गुटी के पास 800 बेड का हॉस्पिटल है, जो चैरिटेबल ट्रस्ट के नाम से जाना जाता है। अब ये 1200 बेड का होने वाला है। तो इनसे मैंने संपर्क किया और एक महाआरोग्य शिविर जिसके अंदर हार्ट का ऑपरेशन, हार्ट का चेकअप होगा, कैंसर का होगा, आर्थराइटिस का होगा, और खास स्त्री रोग तज्ञ के लिए, वो सभी लोग यहां पर आएंगे। और चेकअप फ्री है, आपको चेकअप पूरा फ्री है। अगर आपको एक्सरे निकालना पड़ता है तो अगर एक्सरे बाहर अगर आप मार्केट में जाओगे तो 600-700 रुपए का रहेगा, तो यहां पर आपको 100-200 रुपए में हो जाएगा। आपको अगर 2D स्कैन करना है या 2D सोनोग्राफी करना है तो बाहर हमको 2000 रुपए लगता है, यहाँ पर हम 500 रुपए में हो सकते हैं। तो बाहर आप 100 रुपए में कराते हैं, यहाँ पर 50 रुपए में हो जाएगा, 50 से भी कम है। हम तो कहते हैं 50 से भी कम है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप सोनोग्राफी अगर हम करते तो 2000 रुपए लगता है, तो यहाँ पर हम 500 रुपए में 25% हम कह सकते हैं, 25 से 50 के अंदर आपका काम हो जाएगा। सुधीर भाई, जैसे कैंसर है, सर्जरी और हृदय, अगर इन सब में ऑपरेशन वगैरह की जरूरत पड़ती है तो ये किस हिसाब से किया जाएगा? कल वो लोग आने वाले हैं, आपका चेकअप करेंगे। चेकअप के अंदर अगर एक कोई भी पेशेंट को उनको ऐसा लगता है, डाउटफुल लगता है कि नहीं इसको अगर ब्लॉकेज है, तो उनको वो 2D के लिए भेजेंगे या उनका ECG करेंगे। ECG पूरा फ्री है। अगर उनको ECG के बाद अगर ऐसा लगता है कि उनको अगर कुछ ब्लॉकेज है तो उनको 2D करने के लिए बोलेंगे, और अगर वहां पर उनको अगर कुछ भी मालूम पड़ता है तो वो हमको 1 या 2 दिन का, 1 हफ्ते का वक्त देंगे, वो तारीख देंगे और वो टाइम देंगे। उस टाइम पे हमको यहाँ आना है, उनकी गाड़ी यहाँ आएगी, हमको लेके जाएगी, जो भी 5-6 दिन या 7 दिन लगेगा हमारा इलाज करेगी, और वो भी माफक दर में, यानी कम से कम दर में 20-25 हजार जो भी लगता है, और वहां से हमको यहाँ छोड़कर भी जाएगी, यानी लेकर जाना और लेकर वापस यहाँ आना, ये पूरी जिम्मेदारी वो लेने को तैयार हो गए। यानी कल 21 मार्च को सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक इस कैंप का आयोजन है। तो आप भी आइए दादा पिंटिया हाउस पर, इस कैंप का आप भी फायदा ले। लेकिन अब हम बात करेंगे राजनीति पर। सुधीर भाई, आपने इसी तरह का एक मेडिकल कैंप कई साल पहले आयोजन किया था बाबाजी पाटिल स्कूल में, उस समय जो है आपके शिवसेना के कई नेता आए थे, लेकिन अभी देखा जा रहा है कि आप जो है कहीं ना कहीं शिवसेना से थोड़ा दूर है और NCP से थोड़ा नजदीक है, और ये भी माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं जो है राजन दादा जो है NCP से दूर हुए हैं, तो आप धीरे धीरे NCP की तरफ गए। ऐसा है कि कौन किससे दूर गया है, कौन किससे किसके पास में आया है, ये मेरे लिए मायने नहीं रखता।
क्योंकि कोई आदमी उसकी अपनी राजनीति करता है, हर एक आदमी अपनी अपनी राजनीति करता है, वो कौन किसके दूर गया है, कौन किसके पास आया, इससे अच्छा मैं क्या कर रहा हूँ और मुझे आगे क्या करना है, ये मैं जरूरी समझता हूँ। और फिलहाल तो मैं कहीं नहीं हूँ, मैं समाज सेवा, आप देख रहे हो यहाँ पर मैंने कोई भी किसी का कोई पार्टी का बैनर नहीं लगाया, मैं इंडिविजुअली एक मुमरा का बच्चा, जैसे अपने घर का बच्चा अपने बुजुर्ग लोगों के लिए या अपने बहन लोगों के लिए या माता पिता के लिए जो कुछ कर सकता है वो मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ। और आप जानते हो मैं फील्ड के अंदर हूँ, फील्ड से कहीं हटा नहीं हूँ, मैं राजनीतिक फील्ड में भी हूँ और समाज सेवा का फील्ड में हूँ, मैं किसी से मेरी दूरी और किसी से मेरी नजदीकी, देखो मेरा एनसीपी विचारों से मेरा आदान प्रदान हो सकता है ना, विचारों की जो सोच है, कहीं कुछ विचार आपसे मेरे मिलते होंगे या मेरे विचार आपसे मिलते होंगे या कुछ नहीं मिलते होंगे, ऐसा राजनीति में होता है, लेकिन मैं किसी के पास और किसी के दूर ऐसा कहीं नहीं है। लेकिन लोग ये भी कंफ्यूज हो रहे हैं कि पहले शिवसेना जो थी आप उसमें थे, उसके बाद से शिवसेना के दो गुट हो गए, एक शिंदे साहब की गुट है, एक ठाकरे साहब की गुट है, तो अभी आप कौन से पार्टी में हैं? लोग समझ नहीं पा रहे कि आप शिंदे साहब गुट में है या एनसीपी में है या फिर ठाकरे साहब के गुट में है, कौन से पार्टी में है, ये लोगों में कंफ्यूजन बनी हुई। वो कंफ्यूजन मैं दूर करता हूँ। ऐसा है कि बड़े बुजुर्ग कहा करते हैं कि जब धुंध छाई हो तो भागना नहीं है, तो आज मेरे लिए तो एकदम धुंध छाई है, आने वाला इलेक्शन लगता है नहीं लगता है, इस बार इस साल लगता है या अगले साल लगता है, कौन सी पार्टी आज सत्ता में रहेगी, कौन सी पार्टी सत्ता में नहीं रहेगी, कौन मुमरा, कौन सी पार्टी मुमरा के लिए क्या कर रही है, ये सभी बातें और उलझन और पशोपश में, तो मैंने सोचा इन सब से दूर रहे, हमारा समाज कार्य है, समाज कार्य करता रहे, मौके का इंतजार है। हाँ देखो राजन आता है उस तरफ आप जाएंगे। हाँ देखो ऐसा है कि आप क्रिकेट में भी देखते रहेंगे, पानी का बहाव जिधर है उधर ही नहीं, ऐसा है कि आप क्रिकेट में भी देखते होंगे कि 6 बॉल होते हैं, हर एक बॉल पे बहुत मुश्किल से 6 लगते हैं, तो जो बल्लेबाज होता है वो भी मौके का इंतजार होता है कि ये कब अच्छी गेंद डाले और उसके ऊपर मैं मेरा 6 मारूं। वैसे ही फुटबॉल में भी होता है कि कई लोगों को चकाते हुए हमको उस गोल तक पहुंचना होता है, तो फिलहाल मैं उस फील्ड में हूँ, अब देख रहा हूँ क्या है, कब मुझे मौका मिल रहा है, तो मैं मौके का इंतजार में हूँ। मौका कहाँ से मिल सकता है आपको, बॉल कौन अच्छा डाल सकता है, एनसीपी या शिवसेना? अभी तक तो फिलहाल मैंने ऐसा कुछ सोचा नहीं है, लेकिन अभी टॉस उड़ रहा है, देखेंगे क्या होता है। ऐसा है मुझे दोनों तरफ से अच्छे खासे मुझसे बात हो रही है, दोनों तरफ से मेरे संपर्क अच्छे हैं, लेकिन मैंने अभी फिलहाल तो इस बारे में सच में आपको मैं बताऊं, मैं जनता से बताना चाहता हूं कि फिलहाल मैंने इस बारे में सोचा नहीं है, कि मेरा फोकस इस बार टारगेट सीधा है कि पहले जो नुकसान जनता का गए 5 साल में हुआ है उसको भरो। और देखो मैं उस गंदी राजनीति से थोड़ा लंबा रहता हूं कि किसी से फायदा उठाना, किसी से नुकसान करना, किसी को बुरा भला बोलना, मेरे इतने पॉलिटिकल करियर में मैंने किसी को बुरा भला अभी तक नहीं कहा है, मैं कभी गाली गलौज की राजनीति करता नहीं हूं, जो भी संवैधानिक होगा वो मैं करूंगा, और जो मेरी जनता को, और मैं आज क्लियर कर बताऊं, मुझे जनता की तरफ से मैं हर इलेक्शन के अंदर, वो हार हो या जीत हो, मैं हर इलेक्शन में मेरे इलाके के लोगों के पास जाता हूं, मेरे पास कुछ कार्यकर्ता है, मैं छोटा आदमी हूँ, 100 कार्यकर्ते होंगे, उस 100 घर पे मैं जाता हूँ, उनसे पूछता हूँ कि हमें इस बार क्या करना है। देखो गए बार भी मैं जब उनके सामने गया था, आप यकीन मानो मैंने तगड़ी टक्कर दी थी, तो उस वक्त मैं कार्यकर्ता के सामने गया था, उन्होंने कहा था हमको शिवसेना से लड़ना है, मैं शिवसेना से लड़ा, हार जीत होती रहती है, देखो ये लड़ाई है, ये खेल है, उसमें कभी हार होती है कभी जीत होती है, लेकिन जो जनता के मन में वो हमको करना है, तो इस बार भी जनता बताएगी मुझे क्या करना है, वैसा मैं करूंगा। सुधीर भाई एक बात और देखी जा रही है कि मुमरा शहर में दो दो जगह पर भूख हड़ताल किया जा रहा है, आप भी गए थे शायद समर्थन देकर आए हैं, MIM पार्टी के लोग टॉयलेट पावर के खिलाफ बैठे हैं, फरहत शेख हॉस्पिटल के लेकर बैठी, प्राइवेट ना किया जाए, आप इन दोनों चीजों को किस नजर से देखते हैं और क्या बताएंगे इन दोनों मामलों? देखो जब यह संविधान लिखा गया था उस वक्त हर एक आदमी को उनका अधिकार, नैतिक मूल्यों का अधिकार और उसकी मापतोल करने का अधिकार दिया गया था, ये डेमोक्रेटिक देश है, हर एक आदमी को अपनी अपनी बातें रखने का पूरा अधिकार है। अब वो जो हॉस्पिटल के लिए बैठी है उन्होंने उसको टेररिज्म करने के खिलाफ एक आवाज उठाई है, और यहाँ पर टोरेंट को प्राइवेटाइजेशन किया है नहीं किया है अभी तक उसका कोई फिक्स नहीं है, लेकिन टोरेंट का मसला अगर ऐसा आता है
तो मुझे लगता है कि यही आज जो सरकार है, यही उस वक्त सरकार थी जिन्होंने ये मंजूर किया था। उस वक्त देवेंद्र फडणवीस साहब मुख्यमंत्री थे, आज वो ऊर्जा मंत्री है, उस वक्त शिंदे साहब यहाँ के पालक मंत्री थे और आज वो मुख्यमंत्री है। तो ये जो टॉलरेंट का मसला है, मेरे ख्याल से ये वही हल कर सकते हैं। उन्होंने इसलिए करना चाहिए, आज शिंदे साहब ने सोचना चाहिए कि थाना के अंदर उनका एक ऐसा इलाका है मुमरा, जो उनके आवाज हाथ के अंतर पर है, वहां पर एक लड़का 7-8 दिन से अनशन पर बैठा है। तो ये शिंदे साहब की जवाब जिम्मेदारी है, एक मुख्यमंत्री होने के नाते, वो महाराष्ट्र का छोड़ो, मुमरा के अंदर थाना के अंदर एक आदमी अनशन पर बैठा है, कुछ लोग अनशन पर बैठे, उनकी जिम्मेदारी है, दायित्व है उनका, लेकिन वो आ नहीं रहे। मुझे पता नहीं, खाना खाने आ सकते हैं वो, लेकिन किसी की भूख हड़ताल खत्म करने के लिए नहीं आ रहे, ये बड़ा दुख हो रहा है। आप कह रहे खाना खाने आ सकते हैं, तो जहां पर वो खाना खाने आए थे वो लोग भी सीएम साहब से मुलाकात करके कह सकते हैं, जरूर कह सकते हैं, हमारे शहर से ऐसी ऐसी बातें बुला सकते हैं, अगर दावत पे बुला सकते हैं तो फिर आंदोलन पे भी बुला सकते हैं वो बुला सकते हैं, लेकिन वो बुलाना नहीं चाहते, क्योंकि ये आंदोलन को वो किसी और के ऊपर थोप रहे हैं। आंदोलन सरकार की तरफ होना चाहिए, विरोधक के ऊपर नहीं होना चाहिए। हर पॉलिसी का जड़ जो होती है वो जो उस वक्त सत्ता में होती है उनके उनसे होती है, वो हमको न्याय दे सकते हैं। हम यहाँ के अगर आमदार को बोलेंगे कि आप लड़ो, तो बोलेगा भैया मैं तो लड़ रहा हूं, आज सत्ता किसी और की है, जब वो सत्ता में थे तो उनके साथ तो ये थे, आज ये सत्ता में उनके साथ ये है, तो दोनों वक्त ये सत्ता में जो भी सत्ता में रहेंगे उनके साथ ये रहते हैं, उन्होंने दोनों को बोलना चाहिए कि आप दोनों करो ये काम। लेकिन ये भी बात सामने आती है कि जैसे अभी आप कह रहे हैं कि सीएम साहब है, बीजेपी और शिवसेना की सरकार है, आवाज उठाना चाहिए, हटाना चाहिए, लेकिन इसके पहले भी जब कांग्रेस एनसीपी और शिवसेना की सरकार थी उस टाइम भी नेताओं ने बड़े बड़े दावे किए थे हम हटा देंगे, लेकिन कुछ हुआ नहीं। तो क्या लग रहा है कि सब जनता के साथ खेला हो रहा है? ऐसा मुझे नहीं लगता है कि अब तोरण को कौन यहाँ से हटा सकता है। देखो मैंने तो मेरी आस छोड़ दी है एक व्यक्तिगत, और आपने कहा कि आप उस आंदोलन में गए थे, देखो मुमरा के हर उस अच्छे बुरे में हम मुमरा के लोग हैं, हमारी मुमरा की पैदाइश है, कुछ भी अच्छा हो कुछ भी बुरा हो हमको वहां खड़ा रहना है, फिर चाहे वो सही हो या गलत हो, लेकिन जब गांव की बात आती है तो गांव का एक लड़का वहां बैठा है वो नाते में मैं जाना देता हूँ। और दूसरे भी आपने सवाल किया कि जो सरकार थी उस वक्त ये लोग थे उस वक्त नहीं किया, तो मैं आपसे भी एक सवाल करना चाहता हूँ, यही वो लोग हैं आज किसी पर इल्जाम लगा रहे और किसी को छुपा रहे, उस वक्त ये लोग इल्जाम लगा रहे थे आज वो उसी के साथ में है। तो जो यहाँ पर है जो नेता लोग जो हमेशा चीज में बोल रहा हूँ कि राजनीति में नेताओं में आकर जो है आम जनता का काफी नुकसान हो रहा है, परेशान हो रही है आम जनता, ये सही बात है। और मैं मेरे तरफ से तो मेरे भाई को एक कहना चाहता हूँ कि हमें सरकार के जो भी सरकार हो, फिर वो बीजेपी की हो, कांग्रेस की हो, राष्ट्रवाद की हो, शिवसेना की हो, उस वक्त जो भी सरकार रहेगी उसके खिलाफ हमको ये आंदोलन करना चाहिए। और आंदोलन ये सरकार के खिलाफ नहीं होती है, उनके सोच रहते हैं, उन्होंने जो इम्प्लीमेंटेशन किया रहता है, उन्होंने जो हमको दिया है उसके खिलाफ हमारा ये आंदोलन होना चाहिए। लेकिन कहीं तो भी कोई तो भी आके उस मंच के ऊपर राजनीति करके चले जाते हैं और उससे वो पूरा जो आंदोलन है उसका माहौल खराब हो जाता है। बस मैं यही कहना चाहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए, धन्यवाद। तो सुनील भगत साहब का साफ कहना है कि अभी वो इंतजार करेंगे, और खासतौर पर उन्होंने कहा है कि बॉलिंग किस तरफ से अच्छी की जाती है, जिधर से अच्छी बॉलिंग होगी उसी तरफ बैटिंग भी की जाएगी।